खबर मध्य प्रदेश के सीधी से है, जहां सीधी माँ एक सड़क आदमखोर हो गई थी। आदमखोर सड़क माँ रोजाना हादसा हो रहे हैं, नौजवानन का यह आदमखोर सड़क लील रही है। सबसे बड़ी बात की जिम्मेदार जनप्रतिनिधि एका खुलेआम अनदेखा कह रहे हैं। यदि बात की जाए सड़क दुर्घटना के, तो सड़क दुर्घटना से मां पूरे देश में 57% लोगन के जान सड़क दुर्घटना में जाती। सबसे बड़ी बात की हाई कोर्ट बेबे सड़क दुर्घटना का लेके सवाल खड़ा करत है, सरकारन के भूमिका पर सवाल खड़ा करत है, लेकिन सरकार और जिम्मेदार जनप्रतिनिधि और जिम्मेदार जिला प्रशासन गहरी नींद में घोड़ा बेच के चैन की नींद सोए रहा है। हम बात कह रहे हैं सीधी से टिकरी जाए वाले स्टेट हाईवे के, जहां रोजाना ऐसा सड़क हादसा होते जोने मां नवयुवकन के रोजाना जान जा रही है। ऐसे हमारे साथ चल रही तस्वीर देखत हो, जहां एक बलकर बीचों बीच सड़क के चारों खाना चित्त होगा। सबसे बड़ी बात कि यह सड़क का लेके गांव वाले से लेके या कहीं चाहे ट्रक चालक हो या बलकर चालक हो, सब यह बात के विरोध कर रहे थे, लेकिन सरकार और जिम्मेदार जनप्रतिनिधि के कान में जू तक नहीं रह गए। यह आदमखोर सड़क रोजाना सीधी के नव युवकन का लील रही है, लेकिन जिम्मेदार गहरी नींद में सो रहे हैं। तो विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी प्रपंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे यह सिस्टम के सबसे दुखद पहलू के यह खबर के, जहां प्रपंचन बताया दी कि टिकरी सीधी मार्ग में आए दिन हो रहे हैं बड़े हादसा। आज फिर से एक भारी बलकर मार्ग में शिकार जो है जंगल के पास एक पुल पर यह कदर पलटा कि पूरा मार्ग अवरुद्ध हो गया। आवागमन कर रहे दोनों तरफ के यात्री छात्र कर्मचारी अभी फंसे हैं या फिर दूर के कौनो लंबा मार्ग ढूंढ के निकल रहे हैं। गनीमत की बात कर रही कि जोने वक्त यह हादसा भाव वक्त समय जो है यह वाहन के आगे पीछे कुछ, लेकिन थोड़ी देर में वाहन जरूर रहे, लेकिन एक एक चपेट में कौन ही आवा, नहीं तो आज फिर एक बड़ा हादसा हो। और हम अपना का बतावे चाहिए थे कि सीधी टिकरी सड़क में भारी वाहनन के लगातार आवागमन जारी रहा थे। यह वाहन रेत से ओवरलोड रहा थे और जानकारन के मानी था रोज उत्तर प्रदेश से रेत ले वाली सैकड़न के संख्या में गाड़ी या रोड पर आवागमन करती है। और सिगरौली की तरफ आवे वाले फैक्ट्री के फ्लाई एश के ढुलाई करे वाले कैप्सूल बलकर ट्रक जो है यह सड़क में चला थे, जो बहुत तेज रफ्तार में चला थे। ज्यादातर दुर्घटनाएं बलकरन की वजह से हो रही है। अभी पिछले पखवाड़ा में गोरियाना और गांधी ग्राम में क्रमशः दो दिन में लगातार दो हादसा में जोड़े में दो नवयुवकन के जान चली गए। यह तरह अगर हम जो है पूरे साल भर के विवेचना करी तो एक हफ्ता में सड़क पर एक हादसा हो रहा है। वाहनन के काफी संख्या में चले के कारण, ओवरलोड होने के कारण सड़क जो है पूरी तरह टूट चुकी है, जैसे यह एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। लोगों की मांग है कि सड़क का 4 लेन किया जाए, जैसे आवागमन की सुविधा आसान हो सके। जो लोग यात्रा कर रहे हैं वो रोज जान जोखिम में डाल के या आवागमन कर रहे हैं। तो यह रही आदमखोर सड़क के पूरी जो है कारस्तानी, काहे की यह सड़क कलई के जोने सड़क की हम बात कर रहे हैं सीधी से टिकरी सड़क, यह सड़क कलई के कई बे जो है विवाद हो चुका है। लोग सड़कन पर उतर चुके हैं, विधायकन के घरे मिन्नत कर चुके हैं, लेकिन जिम्मेदार जनप्रतिनिधि केवल और केवल इन लोगन का वोट बैंक तक सीमित है। उनका फर्क नहीं पड़े कि आम जनता जिए या मरे। सबसे बड़ी बात कि कई बे पत्राचारों कुछ लोग कुछ युवन के द्वारा कीन गए, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से कौनों में के टिप्पणी या कौनों में के कार्यवाही नहीं कीन गए। सबसे बड़ी बात कि यह सीधी से टिकरी सड़क जो ही यह आदमखोर सड़के से कही थे कि यह कैयक भाई के हत्या कर चुकी है। कैयक थे पति या सड़क मां जो बिचारे घरे से काम करे निकले रहे, लेकिन वापस अपने घरे नहीं पहुंच पाए।
कैयक थे मेहरियन के माग सुनी कह चुका है, कैयक थे महतारिन के गोद उजाड़ चुकी है ये सड़क, लेकिन अबे तक जिम्मेदार कबो ए मां जो है गंभीर नहीं भे। सबसे बड़ी बात कि यह सड़क मां यदि अपना कबो जई तो देखब कि हमेशा जालेवा खतरा बना रहा थे, जगह जगह पर मोड़ सड़क मां और सड़क के संकीर्ण हो कहो न कहो दुर्घटना के बड़ा कारण बना थे। ओवरलोड वाहन और तेज रफ्तार वाहनन पर कौनो नियंत्रण नहीं, कौनो में के जांच नहीं, पड़ताल नहीं, हेलमेट और गाड़ी से पैसा वसूली तक पुलिसों सीमित थी। सबसे बड़ी बात कि लोगन के जान बचाओ प्रमुख उद्देश्य शासन सत्ता सरकार जनप्रतिनिधि सबके है, तका एक अरसा से बनी सड़क जो उस केवल और केवल आदमखोर सड़क बन चुकी है ओकर काहे व्यवस्थीकरण नहीं हो, काहे नहीं वो सड़क का बेहतर बनावा जाए जोने पर चले मन लोग अपने आप का सुरक्षित महसूस कर सके। तो सुनी बयान आपन अपने परिवार के, रखी बहुत ख्याल, धन्यवाद, प्रणाम। आदरणीय तिवारी जी नमस्कार, आज अपना बलकर के बारे में हमसे बात करें कि सड़क के जो स्थिति ही टिकरी से सीधी मार्ग के जो स्थिति ही वास्तविकता में यह सड़क बहुत गंभीर स्थिति पर है। सड़क की व्यस्तता अपना हमसे बात के दौरान देखा, मतलब सीधी से टिकरी जाए में एक मिनट में लगभग तीन बड़े वाहन पार करे पड़ते हैं, और भारी वाहन प्लांटन से माल लेके आवागमन करते हैं, इतने स्पीड चलते हैं, बालू लेके ओवरलोड चलते हैं, राखड़ लेके ओवरलोड चलते हैं, इतने स्पीड चलते हैं कि हर हफ्ता कहों न कहों एक बड़ी दुर्घटना इस सड़क में हो रही है, बड़े वाहन पलट रहे हैं। मतलब यात्रा करे के दौरान हमका पांच खुद लगा रहा था कि भगवान से मनाई थी भगवान सुरक्षित सीधी पहुंचा दे और सीधी से घरे पहुंचा दे, बिल्कुल आवे जाए में बहुत देर रहा थी परमानेंट, क्योंकि हादसा रोज हो रहे हैं। आज फिर यह हादसा हुआ है जो उन्हें पुल पर ट्रक पलटा, संयोग से कोनो वाहन अगल बगल नहीं रहे, कोनो मोटरसाइकिल वाला नहीं रहा, नहीं तो जरूर होके चपेट में आ जात, आज ये सड़क अवरुद्ध होगी। जबकि हमें छत्तीस ईयर रोड से अपना जात छत्तीसगढ़ तक के वाहन आए कहती बैढ़न तक के पूरे वाहन एक ऐसे गुजर रहे हैं। तो हम एक ये विषय के लेके हम आदरणीय कमलेश्वर पटेल जी पूर्व मंत्री जी हैं उनके माध्यम से राज्य शासन के मंत्री पीडब्ल्यूडी के मंत्री का पत्र लिखवान और केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी का पत्र लिखवान, राज्य शासन की ओर से कोनो जवाब नहीं आवा। नितिन गडकरी जी वहाँ जवाब दहीन कि वो सड़क जौन मांग कीन गई वो हम प्राथमिकता के आधार पर वहाँ जांच कराए कि बिल्कुल चाहब कि वो सड़क बनाए, हम वो पत्र अपना का भेजे हैं, हम चाहे थे कि वो पत्र अपना दिखाई। और राष्ट्रीय राजमार्ग के जौन पैमाना है कि सड़क कहो न कहो पर्यटन क्षेत्र से जुड़ी हो या कि वाहनन के घनत्व काफ़ी हो, तो वाहन के घनत्व में तो आदमी कई जगह यात्रा करत है, वो फोर लेन सड़कन में उतना नहीं है जितना यह सड़क पर है। और अपना यह बात खातिर चिंतित बहन हमसे संपर्क करन और हम लगातार ये विषय पर मुद्दा बात का उठावत रही थे और हमका तो नहीं लगे कि सरकार की ओर से कोनो पहल हुई। मीडिया के माध्यम से, जनता के माध्यम से, हम अपना के चैनल के माध्यम से आग्रह सबसे करी थे कि हम सबका सोचे चाहिए, चिंतित हो चाहिए, जरूर कहो न कहो लोग चिंतित हैं, ये सड़क वाले सब चिंतित हैं, कबो कबो तो ऐसा भाई के लोगन के घरन में बलकर घुस गए हैं, जरूर जानी थी कि लोग चिंतित हैं, लेकिन ये मुहिम छेड़े का जरूरत ही वह सबका आगे आगे जरूरत ही वह सरकार ने बनावे तो हमका पांच का ही ये सड़क रोके पड़ी तबे लोगन के जान के रक्षा हो पाई। अपना हमसे बात करन बहुत बहुत धन्यवाद होगा।